हे गाइस, वेलकम बैक टू द डीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु वशिष। जैसा कि हम हमेशा की तरह आते हैं एक बढ़िया से फंटास्टिक वंडरफुल प्लान के साथ, यहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं आज 50 गज के एक छोटा प्लॉट है, आई नो, बट इसमें जो आपको मिलने वाला है आपने फिर से नहीं देखा होगा कहीं पर। मतलब काफ़ी अच्छे से प्लानिंग डिजाइनिंग हुई है इसकी, फुली मॉडर्न लुक में ओवरऑल डिज़ाइन किया गया है। मैं ओवरऑल बताऊँ तो यहाँ पर ये घर की डायमेंशन 15 फीट विड्थ एंड 30 फीट लेंथ में आपको मिल जाता है, 450 स्क्वायर फीट एंड 50 गज, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर आपको 50 गज में 3 BHK पर्सनल स्टेल पार्किंग, 1 BHK फॉर रेंट, टेरेस, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली हैं। मतलब इतने छोटे प्लॉट में हमने यहाँ पर पर्सनल प्लस रेंट दोनों के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर आपकी दो क्वेरीज तो सॉल्व यहाँ पर ही हो जाती है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच बीच में रुकना मत, आप मिस कर जाओगे बहुत कुछ। डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए। दो लाइक का तो ऑप्शन नहीं है, बट कोई नहीं यार, एक लाइक बनता है, हमारी इतनी मेहनत हो रही है, इतना डिजाइन आपके लिए लेके आ रहे हैं हम रेगुलर बैक टू बैक। इस घर की प्रोजेक्ट डिटेल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओवरऑल और कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। पॉज करके देख लेना, अच्छे से देख लिया करो यार, पॉज करके कोई दिक्कत नहीं है, पॉज आप कर सकते हो, और पॉज करके नीचे ना लाइक का भी आपको दिख जाएगा। आई नो कुछ में अपडेट्स में भी ना हो, बट नीचे पॉज करके लाइक कर सकते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली। अब यहाँ पर इस घर के आपको 2D फ्लोर प्लान देखने हैं, तो 2D फ्लोर प्लान्स आपको दिख जाएंगे, कैसे हमने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का। PDF हाँ जी, हमने प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों को पता ना हो, नए हो, देख लेना कैसे कैसे अच्छे से दिया है। PDF में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और चैनल का लिंक मिल जाएगा, बहुत ही ईजी कर दिया आपके लिए सब कुछ। और कुछ सजेशन हो कमेंट में दे देना। अब चलते हैं बढ़िया सी वीडियो की तरफ, चलो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक फुली मॉडर्न लुक में। भाई इतने छोटे प्लॉट में इतना मॉडर्न एंड अच्छा एलिवेशन मैंने खुद नहीं बनाया यार अभी तक। आप यहाँ पर डे एंड नाइट का व्यू का मजा लेते हुए इस एलिवेशन को देख सकते हैं। इस घर के तीनों साइड रिवर्स प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमने एक OTS और शाफ्ट आप कह सकते हैं छोटा वो प्रोवाइड किया है ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए। ओवरऑल ये घर मैंने आपको बताया था 15x30 का इसकी डायमेंशन आपको मिल जाती है। तो सामने देखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक बड़ा गेट मिल जाता है एंट्री का, एंड यहाँ से एंट्री करते ही आपको मिल जाती है बड़ी पार्किंग एरिया। तो यहाँ पर पार्किंग एरिया काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिल जाता है एज अ स्टिल्ट, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, एक रूम डाल दिया है, जैसे होता है ना कभी गेस्ट वगैरह आते हैं यार, जिनको ऊपर अपने पर्सनल घर में नहीं लेके जाना, नीचे आप छोटी सी सिटिंग वगैरह कर सकते हैं आस पड़ोस वगैरह के लोग जो आते हैं उनके साथ, इसको आप एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद टर्न करेंगे तो ये आपको मिल जाता है स्टेयरकेस एरिया। स्टेयरकेस से चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर्सनल एरिया में, तो यहाँ ऊपर आइए, डोर मिल जाता है आपको। एंट्री करेंगे तो ये आपको एंट्री करते यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है, नीचे साइजेस आप देख सकते हैं सभी चीज़ों के, सिंपल एंड एलिगेंट रखने की कोशिश की है पूरी हमने यहाँ पर। ये आप आगे देखेंगे तो एक आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाती है जिसमें कि आप ये साइज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादा इतना भी स्पेस नहीं है हमारे पास, यहाँ पर बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्रिज एरिया मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जाल लगा हुआ है, ये कम थोड़े गैप वाला भी ले सकते हैं, ये वही OTS और शाफ्ट थी। वापस आए ड्राइंग डाइनिंग एरिया में तो यहाँ पर एक सेपरेट हैंड वॉश एरिया भी मिल जाएगा आपको, एंड इसी के साथ यहाँ पर इस फ्लोर का कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा आपको। तो वॉशरूम का साइज़ हमने काफ़ी ठीक रखा है इसमें, आप देख सकते हैं इस वॉशरूम में निशेज वगैरह हैं, इसमें सिर्फ WC और वॉशिंग एरिया बाथिंग एरिया है इसमें, क्योंकि आपका वॉश बेसिन तो बाहर आ गया है। अभी फिर से टर्न करते हैं यहाँ पर एंड आगे चलेंगे तो ये आपको यहाँ पर बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है। वॉलपेपर्स का यूज़ किया है इसको बढ़िया एंड बजट में लाने के लिए, वार्डरोब रिसर्च्ड है, सिंपल टीवी यूनिट डिज़ाइन, वार्डरोब बाहर की तरफ निकाली हुई है ये बालकनी में,
यहाँ पर आपको ग्लास डोर मिल जाता है जो कि फ्रंट बालकनी से कनेक्ट कर देता है आपको। वापस आ गए अंदर, तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्रॉपर 1 BHK। तो एक प्रॉपर 1 BHK यहाँ पर आपको किचन वगैरह डाइनिंग सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से स्टेयरकेस से सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। फिर से डोर मिल जाते हैं। डोर्स इसलिए दिए सेपरेट करने के लिए क्योंकि रेंट पर भी तो दिया है ना यार हमने ऊपर, वो भी दिखाते हैं चलेंगे अभी। तो इस फ्लोर में एंट्री करेंगे, एंट्री करते टर्न किया आगे चलेंगे तो ये आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से बेड बैक डिजाइन देख सकते हैं, मतलब वॉलपेपर्स का यूज किया है। सिंपल टीवी यूनिट डिजाइन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वार्डरोब एरिया मिल जाता है, काफी बड़ा, आपको बड़ी वार्डरोब साइज मिल जाएगी। एंड यहाँ पर बैक साइड में आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन एरिया भी मिल जाता है। ये वही OTS और शाफ्ट, OTS और शाफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि ओपन टू स्काई बोलो इसको, शाफ्ट बोलो। शाफ्ट वो होती है कि जिसमें पाइपलाइंस होती है ओनली और यूजेबल एरिया नहीं होता है। बेडरूम से बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक पैसेज मिल जाता है, तो पैसेज में ये बाहर वॉश बेसिन एरिया है सेपरेट। एंड यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है इस फ्लोर का। इस वॉशरूम का साइज एग्जैक्ट है और सेम नीचे वाले के ऊपर है ये। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक और डोर मिलता है, ये आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर 3 आपका। यहाँ पर भी वार्डरोब रिसेस्ट करके लगाई गई है, टीवी यूनिट प्लेस नहीं किया है, हर रूम में भी टीवी यूनिट नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको फ्रंट की तरफ ग्लास डोर मिल जाता है जो कि आपको फ्रंट में बालकनी में कनेक्ट कर देता है। ये था बेडरूम नंबर 3। तो इस फ्लोर का भी ये कॉमन वॉशरूम है, बाहर आपने देख ही लिया होगा। ये था इस फ्लोर का मतलब 2 बेडरूम सेट। तो आपको अभी तक मैंने 3 BHK दिखा दिया है फॉर पर्सनल यूज। तो अभी स्टेयरकेस से चलते हैं हम अपने रेंट वाले पोर्शन की तरफ। यहाँ पर ऊपर आए, डोर मिल जाता है सेपरेट। अभी टर्न करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक बेडरूम मिल जाएगा। अब आप इसको बेडरूम नंबर 4 भी कह सकते हैं अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए अगर करना है तो। आपको वार्डरोब मिल जाएगी, सिंपल टीवी यूनिट। एंड आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको किचन भी मिल जाएगी क्योंकि ऐसा 1 BHK रेंट पर्पज़ की तरह इसको बनाया गया है। एंड बैक साइड में जाएंगे जो हमारा जाल एरिया है, शाफ्ट, OTS जो भी बोलो, यहाँ पर आपको फ्रिज मिल जाएगा। ऊपर जो है ये ग्लास गैप देकर लगाया गया है। बाहर आएंगे ये विंडो बड़ी मिल जाएगी आपको लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। अभी यहाँ से चलते हैं इस पैसेज से, ये एक और डोर मिलता है। तो भाई यहाँ क्या है, इस 1 BHK के साथ आपको ये छोटा सा टेरेस भी मिल जाता है। मतलब ये तो भाई एक ऐसा हो गया कि 1 BHK विद टेरेस एक ही फ्लोर पर, भाई क्या मज़ा आ गया। इसके बाद ये आपको इस फ्लोर का अटैच टॉयलेट, इसमें तीनों चीज़ है, वॉश बेसिन, WC, बाथिंग एरिया, क्योंकि 1 BHK वाले हैं वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर यार ये परगोला भी मिल जाता है जो कि एलिवेशन में पार्ट ले रहा है। तो भाई मतलब ये वाला पोर्शन तो एक अलग ही लेवल क्रिएट हुआ है इस घर में। 1 BHK फॉर रेंट, परगोला सिटिंग, मतलब ये 1 BHK किसी को आप रेंट पर देना चाहोगे तो वो बंदा ही खुश हो जाएगा, भाई ये सबसे बेस्ट है 1 BHK का रेंट के लिए। स्टेयरकेस से अब टेरेस की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ पर ममटी में भी विंडो लगाई गई है, काफ़ी लाइट एंड वेंटिलेशन जितना पॉसिबल हुआ है उतना यहाँ पर हमने दिया है। यहाँ पर टेरेस ज़्यादा बड़ा नहीं था तो यहाँ पर कोई ऐसी बहुत मेजर सिटिंग्स नहीं की है। बैक साइड में यहाँ पर वाटर टैंक्स को प्लेस किया गया है। अब वाटर टैंक्स को यहाँ पर हमने इसी शाफ्ट और OTS के पास प्लेस किया है ताकि पाइपलाइंस भी चली जाएंगी और जो हमारे यूज़ हो रहे हैं अलग अलग, एक फ्लोर पे फ्रिज है तो एक फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है,
ऐसे इस तरीके से भी ये मल्टीपल यूज़ हो जाएगा, मतलब कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर डिज़ाइन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई, बार बार याद दिला रहा हूँ, लाइक कर दिया करो वीडियो को, काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपका। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको इतना बढ़िया डिज़ाइन, मॉडर्न लुक में इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बड़े प्रोजेक्ट ही लाते हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप छोटे प्रोजेक्ट ही लाते हो, तो हम हर टाइप के प्रोजेक्ट रखते हैं अपने चैनल पर, छोटे भी और बड़े भी, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। आपको डिज़ाइन अच्छा लगा, होपफुली अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड डीवी स्टूडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के साथ बेल आइकन प्रेस करोगे तो हमारी रेगुलर वीडियोज़ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ तक इजीली पहुँच जाओगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड लास्ट वीडियो देखते रहना।